खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। इंडिया इज अ थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। आपको याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी, बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीजों पर उजागर किया। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं, हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं, अच्छा हम उसको असले में कर सकते अच्छा। हैं हम लड़ने में कर सकते अच्छा। हैं हर चीज में, अगर 6 महीने में के भारत इंडिया दुनिया की मोस्ट पावरफुल थर्ड कंट्री करार पाया है। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी, बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं, ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है, कोई ये कॉमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है, कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो करके दिखा दिया है और जितनी मेहनत की उनकी, डॉक्टर जयशंकर, जितने भी अथॉरिटीज हैं, बल्कि जो आवाम है उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अच्छा देखिए, ये है थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट। अब लुई इंस्टीट्यूट जो है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी है और ये रेगुलरली बेसिस पर रैंक करता है कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमी के बेस पर भी करता है और जो कुछ दुनिया में चल रहा होता है तो उसके ऊपर इसके रैंकिंग्स आती रहती हैं। तो ये जो है इंस्टीट्यूट, इसने ये कहा है, जो कि रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री। अब आप इसको एशिया मोस्ट पावरफुल कंट्री भी कह सकते हैं, थर्ड पावरफुल कंट्री। इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम एशिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, क्योंकि अगर जापान को जब ओवरटेक करता है तो आप कहेंगे एशिया का। लेकिन देखिए, जैसे मैंने बताया कि थ्री कंट्रीज इस वक्त नजर आ रहे हैं वो ये हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट Australia's Louis Institute, India has made significant performance, overtaking Japan to become Asia's third most powerful country. The comprehensive ranking evaluates national power based on economic relationships, military capabilities, cultural influence and political resilience. Yani jaisa maine aapko kaha ki ye kisi ek us pe nahi hai, sirf aap ye nahi keh sakte ki Bharat jo teesra bada mulk ya taakatwar mulk ban gaya hai, Asia ka bhi teesra taakatwar mulk ban gaya hai, to uske andar देखिए ना, जब उसने सरपास कर लिया एशिया रशिया को और अमेरिका नंबर वन, सेकंड नंबर पर चाइना, तो थर्ड नंबर पे जब भारत आ रहा है तो दुनिया का ही हुआ ना। लेकिन इसके अंदर एक कोई फैक्टर नहीं है, इसके अंदर जैसा कहा गया कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल रेजिलियंस। लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो इंडिया का तीसरा ताकतवर मुल्क बनने के पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी इकोनॉमी है। आपने भी अभी तक ना सुनी हो, आपको याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है जिसमें ये बताया जा रहा है
कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, आए दिन हम इंडिया को लेके कोई ना कोई डेवलपमेंट की खबर सुनते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट की खबर सुनते हैं, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की खबर सुनते हैं। इधर से अगर कोई खबर जाती है वो तो सिर्फ एक ही जाती है कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है। आखिर उस जज्बे से हम अपनी इकॉनमी को क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने खबर दी है, उन्होंने खबर पब्लिश की है कि भाई इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पाकिस्तानी ये सुन के, उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया, तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं। इसमें सबसे मेन बात यह है जी कि अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो जाए तो ये इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर चाहे यहाँ पे गुरबत का आलम है, लोग माशी तंगदस्ती का शिकार है, बेरोजगारी है, लेकिन इसके लिए सब मेन पॉइंट ये है कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ यूनाइटेड हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह उनसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या वजह है कर सब हम आगे मतलब यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे, और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि दुनिया की वो कंट्रीज जो यूनाइटेड होती है वो आगे जाती है, यही मतलब है। तो इसका मतलब है इंडिया फिर यूनाइटेड है, इंडिया में मुस्लिम हिंदू सिख सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। जी सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं, और हमें भी यहाँ पे भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जब हम मेहनत और कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो हम कोशिश कर क्यों नहीं रहे, वैसे हम कहते हैं हमने मुकाबला करना है हर चीज में, हम कहते हैं इंडिया का, आज इंडिया को हमारे से कोई डर या कोई खौफ या कोई भी, वो अपनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमारे से उन्हें आपको लगता है कि भाई कोई यहाँ पे मसला ये है कि सियासी एतबार से भी इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा जो आलमी सतह पे भी है, जो बात करते हैं तो एक अगर मुस्बत बात करते हैं दूसरे उसके नेगेटिव बात करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इत्तेफाक आपस में करते नहीं। मेन पॉइंट यही है कि आपस में लड़ रहे हैं जी, सबसे पहले अगर वो आपस में इत्तेफाक करेंगे, ठीक है, मिलजुल के चलेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, आगे बढ़ पाएंगे। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे। हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में बस, हाँ, हम बस उनके उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। मतलब ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकॉनमी में, इन चीजों में मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए। वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में, हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें, ठीक है कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है, हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही, खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी, क्या दुश्मनी की है उन्होंने, आगे हमारे से रोटी छीन ली, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने, कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते वो, ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है, हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं, आम पब्लिक से हमारा दुश्मन कहाँ से होगा, इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं।